एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वो पांच ऐसी बातें जो मैंने भी अपने पहले साल में सीखी हैं, वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मुझे करीब एक साल हो गया है इस YouTube पर काम करते हुए। बचपन से ही मेरा सपना था। जब मुझे YouTube के बारे में पता चला कि मुझे भी एक यूट्यूबर बनना है, और काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर YouTube पर कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ। 2020 में मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था, और तब मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा पोस्ट कर देती थी। अब तो मैंने वो डिलीट करके रखा हुआ है। तो तब मैं ना कोई मोटिवेशनल लाइंस लिखकर उसकी वीडियो बनाया। तो 2020 के साल में मैंने अपना YouTube चैनल है वो शुरू किया था, और मैंने तब यह कुछ भी नहीं सोचा था कि मुझे इसमें अपना करियर बनाना ही बनाना है। बचपन से ही मैंने सुना था कि YouTube पर ऐसे वीडियो डालते हैं। पहले मैं अपने फेस की वीडियोस नहीं डालती थी, मैं ऐसे ही कोई भी मोटिवेशनल क्वोट्स लिख देती थी और उसके बारे में वीडियो अपनी अपलोड कर देती थी। पर जब टाइम निकलता गया और मुझे पता लगा कि व्लॉगिंग भी एक चीज़ होती है जिसमें हम अपनी डेली लाइफ को दिखा सकते हैं, हम कुछ चैलेंजेस करके दिखा सकते हैं। जैसे कि साल 2022 में मैंने अपने भाई की वीडियो, मैरिज की वीडियो अपलोड की थी, पर तब मुझे इतना पता नहीं था कि व्लॉगिंग करते कैसे हैं। मैं सिर्फ वीडियो को फ़ोन को पकड़ के ऐसे वीडियो बनाती रहती थी और बोलती कुछ नहीं थी, और उसमें सारा म्यूजिक आ जाता था, और वो सारी वीडियोज कॉपीराइट क्लेम से भरी पड़ी हैं। सो मैंने उनको भी प्राइवेट करके रखा हुआ है। और फिर आया साल 2023, जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब इसमें कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। तो मेरा YouTube चैनल जो साल 2020 से बना हुआ था, उसको मैंने 2023 में आकर कंटिन्यू किया, और उसी पर ही मैंने वीडियोस डालनी शुरू की। और मेरी मेन गलती ये रहेगी कि इस पूरे एक साल में मैंने लॉन्ग वीडियोस तो मोस्टली अपलोड की ही नहीं, बहुत ही कम अपलोड की। मैंने मेनली सारी शॉर्ट्स अपलोड की। अगर आपको वायरल जाना है तो शॉर्ट्स एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है वायरल जाने के लिए, पर अगर आपको इसमें अपना करियर बनाना है तो आपको लॉन्ग वीडियोस अपलोड करनी ही करनी होगी। तो आज से YouTube पर है मेरी एक नए साल की शुरुआत, और यहाँ से मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी लॉन्ग वीडियोस की जर्नी। और अगर आप भी बनना चाहते हैं एक यूट्यूबर, तो चलिए साथ में ग्रो करते हैं। और आपको मैं बताती हूँ ऐसी बातें जो मैंने पहले साल में नोटिस नहीं की, जिन पर मैंने पहले साल में गौर नहीं किया, पर आप उस पर वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपका पहला साल बहुत ही शानदार जाएगा। तो पहले साल में मेरी इस जर्नी में करीब मेरे साथ जुड़े हैं 17,000 सब्सक्राइबर, जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, माना कि ये इनफ नहीं है, अभी हमने बहुत ही आगे जाना है, पर फिर भी कोई बात नहीं। मैंने इस साल में जितनी अपनी तरफ से कोशिश की, उसी हिसाब से मेरे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हैं, क्योंकि मैं बीच में कंसिस्टेंट भी नहीं थी। बीच में मैं बीमार हो गई थी और एक मंथ करीब मुझे रेस्ट मोड पर रहना पड़ा था, तो इसलिए मैं वहां पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। जब आप एक बार YouTube पर अपलोड करना छोड़ देते हो, तो YouTube पर आपकी रीच कम आनी शुरू हो जाती है। अगर आप Instagram पर पोस्ट करना डेली छोड़ देते हो, वहां पर भी आपकी रीच एकदम से कम हो जाएगी, आपका ग्राफ नीचे गिर जाता है। और YouTube पर भी ऐसे ही होता है, पर YouTube पर ऐसी बात है कि आपको कभी भी नहीं पता कि आपकी कौन सी वीडियो वायरल चली जाए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने पहले साल में मोस्टली शॉर्ट्स अपलोड की थी, तो शॉर्ट्स में मेरी काफी शॉर्ट्स हैं जो वायरल गई थी। सिंगल शॉर्ट 1 मिलियन व्यूज के करीब भी पहुंच गई थी। उससे पहले मैं बताऊंगी एल्गोरिथम, जिसके बारे में मुझे खुद बिल्कुल भी नहीं पता लगा था। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब एल्गोरिथम क्या होती है। जब मैंने YouTube पर काम करना शुरू किया था, मैंने 2023 में कंसिस्टेंस रहना शुरू किया था, अपनी फैमिली वीडियोस जो भी दिन त्योहार आते थे मैंने उसके बारे में अपलोड करना शुरू किया था, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एल्गोरिथम होती क्या है। और एक्चुअल में हमें एल्गोरिथम को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही YouTube हमारा जो कंटेंट है वो आगे शो करता है। अगर YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो लोगों द्वारा इतने टाइम तक नहीं देखी जा रही, मतलब अगर मैंने 60 सेकंड की एक शॉर्ट अपलोड की है और लोग उसे सिर्फ 15 सेकंड तक या 10-15 सेकंड तक देखकर ही उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, तो YouTube को लगता है कि लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो वो आगे और लोगों को ये वीडियो शेयर नहीं कर। और सबसे बड़ी बात, कोई भी सिंपल चीज YouTube पर वायरल नहीं जाती, सब थिंग्स हैं वो YouTube पर बहुत जल्दी वायरल जाती हैं। जो आपकी स्पेशलिटी है कि आप ये चीज अच्छे तरीके से शो कर सकते हैं, आप उसी को करिए। जो शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स आपको एंगेजमेंट दिलाने में हेल्प करती हैं, आपको सब्सक्राइबर दिलाने में हेल्प करती हैं, पर जो
कमाई है, जो करियर है, आप शॉर्ट्स के जरिए नहीं बना सकते, उसके लिए आपको लॉन्ग वीडियोस ही आगे बढ़ानी होगी। तो सबसे पहले तो मैंने अपलोड करनी शुरू की ऐसे ही घर की वीडियोस, जो शॉर्ट्स होते हैं, रक्षाबंधन की वीडियोस, हम फैमिली गेट टुगेदर, मैंने वीडियोस डालनी शुरू की। और बीच में मैंने एक वीडियो डाली आलू परांठे की। आप सुनकर हैरान रह जाओगे, आलू परांठे जो मेरी वीडियो वायरल गई, इतनी कॉमन चीज की जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये वायरल जा भी सकती है। वो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दी थी और वो वायरल चली गई। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वीडियो आपकी वायरल जा रही है, आपको दोबारा उसी पर काम करना है, तो ये बहुत ही बेटर और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि मेरी वो वीडियो वायरल गई थी और उसी के रिलेटेड मैंने एक रिप्लाई बनाई थी और वो भी मेरी वायरल गई। और उसके बाद मैं बीमार पड़ गई थी तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई इस चीज को। मेरा ग्राफ था यूट्यूब का, वो डाउन आना शुरू हो गया। मैंने और भी काफी चीजें अपलोड की थी जिसको बीच बीच में शॉर्ट्स ने काफी एंगेजमेंट दी और वो काफी वायरल गई। बहुत ही कम देखने को मुझे एक साल की जर्नी में मिला है कि मेरी कोई परफेक्ट वीडियो वायरल गई हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जिस वीडियो में कोई कमी थी, जिस वीडियो में लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा, मेरी शॉर्ट्स वायरल गई थी। सो आपको इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि आप कुकिंग में अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, आपका कुछ बर्तन ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप वहां नहीं डाल सकते वीडियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वीडियो जरूर अपलोड करो और आप देखना आपकी वही वीडियो वायरल जाएगी, क्योंकि लोग वही देखना पसंद करते हैं। परफेक्ट थिंग लोग बहुत कम देखना पसंद करते हैं, इनपरफेक्शन को लोग बहुत देखते हैं और लोग बहुत जज करते हैं, और वही चीजें वायरल जाती हैं जो मेरे साथ एक साल की जर्नी में हुआ। पहले साल की मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं की। सबसे पहले तो मैंने हिंदी में कंटेंट डालना शुरू किया था। मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक, मतलब जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक तक मैंने हिंदी लैंग्वेज में वीडियोस अपलोड की। और जनवरी 2024 में मेरे साथ करीब 12,000 सब्सक्राइबर जुड़ चुके थे। पर तब मैंने एक गलती कर दी, मैंने अपनी लैंग्वेज को हिंदी से चेंज करके पंजाबी में कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद रीजनल लैंग्वेज में मैं जल्दी ग्रो कर पाऊंगी। ये मेरी दूसरी गलती थी। सो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आपने एक बार जिस लैंग्वेज में शुरू कर लिया, आप उस लैंग्वेज में कंटिन्यू करें। जैसे ग्रोथ मुझे हिंदी लैंग्वेज में दिखी थी, वैसी ग्रोथ मुझे पंजाबी लैंग्वेज में नहीं दिखी। यहाँ शायद मैं वो चीजें नहीं उनको दे पाई जो वो चाहते थे मुझसे पंजाबी लैंग्वेज में। हाँ, मेरी कुछ चीजें वायरल गई पंजाबी लैंग्वेज में, पर वो जो ग्रोथ मैं कंपेयर कर रही हूँ हिंदी लैंग्वेज के साथ, जो मुझे हिंदी लैंग्वेज में कॉन्टेंट डालने पर मिली, वो मुझे पंजाबी लैंग्वेज में कॉन्टेंट डालने पर नहीं मिली। सो ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। तीन मेन चीजें थी जिनके बारे में मुझे पहले इतना नहीं पता था, और अब मुझे एक साल हो गया है तो इन चीजों के बारे में मुझे अब पता लगने लग गया। सबसे जरूरी बात, आपको गिव अप कभी भी नहीं करना है। मेरे साथ भी ये हुआ है, जब मेरी एक महीने तक वायरल नहीं जाती थी कोई भी वीडियो, मुझे कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती थी, अब तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती थी। तब मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम्हें गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यह सबको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बेसिक बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, जो मैंने अपने एक साल के जर्नी में देखी, जो गलतियां मैंने की, आप बिल्कुल भी मत करना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल कहानी अनफिल्टर, नया चैप्टर कुछ नई कहानियों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।